उत्तराखंड राज्य में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य से दो और सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। इन दोनों सड़क हादसों में दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पहली घटना ऋषिकेश की है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलेथा में पेट्रोल पंप के समीप एक अनियंत्रित बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल ले जाते दौरान युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान 24 साल की छात्रा नंदिनी कोटियाल के रूप में हुई है। वो देवप्रयाग की रहने वाली थी। नंदिनी गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग श्रीनगर में पीएचडी कर रही थी। मंगलवार सुबह नंदिनी देवप्रयाग से अपनी स्कूटी पर सवार होकर श्रीनगर जा रही थी, तभी कीर्ति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलेथा में पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार आ रही विश्वनाथ बस ने आगे चल रही स्कूटी पर जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं अस्पताल ले जाते वक्त घायल युवती ने दम तोड़ दिया। नंदिनी की मौत की खबर के बाद से ही उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिस बस से हादसा हुआ उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने बस ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में वाहन सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार देर रात की है। एक ऑल्टो कार सोमेश्वर से अल्मोड़ा की ओर आ रही थी, तभी भक्तोला क्षेत्र के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर 150 मीटर नीचे नदी के किनारे खाई में जा गिरा। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने वाहन को खाई में गिरे देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को वाहन के पास घायल हालत में एक व्यक्ति मिला। उसे उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक युवक की पहचान बागेश्वर जिले के गरुड़ निवासी सुरेश जोशी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है।